नरेंद्र मोदी मुफ्त में गैस कनेक्शन दे करके शौचालय बना करके पूरे देश का कायाकल्प कर दिए। अब परिचर्चा से न कोई सांसद बनता है न टिकट मिलती है, टिकट पार्टी देती है, संसदीय बोर्ड देता है। जो गठबंधन आप देख रहे हैं वो भ्रष्टाचारियों का एक समूह है। ये गठबंधन देखने में तो लगता है नारंगी की तरह सुंदर, लेकिन लालू जी को देख लीजिए, जहाँ रहे हैं बिहार का खजाना हो वे बोलते हुए मवेशियों का चारा खा गए, उससे पेट नहीं भरा। ये सिवान से जो सीट है वो लोक जनशक्ति पार्टी को जाएगा, अगर हिना साहब चुनाव लड़ती हैं तो फिर आपका क्या होगा? सिवान का बच्चा बच्चा जानता है कि हम लोगों ने तन मन धन से लग गए उनके पीछे। अगर हिना साहब को ही गठबंधन तय करके भेज देगा तो हम काहे विरोध करेंगे भाई? नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मेरा नाम फहीम खान है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां अब तेज होते जा रही है। इसी पे खास बातचीत करने के लिए सिवान से दो बार के सांसद रहे पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी हैं, बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका लाइव सिटीज पे बहुत बहुत स्वागत है। लाइव सिटी के दर्शकों को, आपके पूरे टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, क्योंकि पिछली बार ये देखा गया कि एनडीए गठबंधन से सिवान का जो सीट है वो जेडीयू को गया था और आपको टिकट नहीं मिला। देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी के रूप में, जिसकी लोहा दुनिया के अन्य देश दे रहे हैं, मान रहे हैं, और गरीब गुरबा के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तत्परता के साथ काम कर रही है उसका प्रभाव जनता के बीच देखने को मिल रहा है। किसी के घर में गैस का कनेक्शन होता था, शौचालय होते थे, उस घर को, उस परिवार को हम लोग संपन्न परिवार मानते थे। नरेंद्र मोदी मुफ्त में गैस कनेक्शन दे करके शौचालय बना करके पूरे देश का कायाकल्प कर दिए और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे करके, आपने देखा होगा कि कोरोना नई बीमारी थी और इसमें अकाल भूखमरी से बहुत लोग मर जाते हैं, बीमारी से तो मरते हैं भूखमरी से भी लोग मर जाते हैं, लेकिन उन्होंने मुफ्त में अनाज दे करके अपने यहाँ के लोगों को बचाया और 19 देश में मुफ्त में दवा दे करके गरीब जो हमारे देश हैं पड़ोसी उनके लोगों को बचा करके दुनिया लोहा मान रही है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को। तो फिर से हमको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। सिवान लोकसभा की बात करते हैं, इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो खुद को सांसद के उम्मीदवार मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लोग चर्चा कर रहे हैं हम ही जो है कि सांसद के चुनाव लड़ेंगे। देखिए, परिचर्चा से न कोई सांसद बनता है न टिकट मिलती है, टिकट पार्टी देती है, संसदीय बोर्ड देता है, प्रदेश जिला से प्रदेश को नाम जाता है, प्रदेश से सेंट्रल टीम को नाम जाता है। पार्टी अगर भरोसा जताएगी तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि यह सीट 100% जीत करके भारतीय जनता पार्टी के झोली में देने का हम काम करेंगे। चूँकि हम लगातार टिकट कटने के बाद भी हम निराश और हताश नहीं हुए, जनता के बीच में काम करते रहे, उनके दुख सुख में खड़ा रहे, तो जनता हम पर विश्वास जताएगी, हमको भरोसा है। लोकसभा चुनाव को लेकर के अब बहुत बड़ा गठबंधन तैयार हो रहा है, विपक्ष के तमाम नेता जो हैं, तमाम पार्टियां जो हैं वो गठबंधन तैयार करें, इंडिया वर्सेस एनडीए का चुनाव होगा। जो गठबंधन आप देख रहे हैं वो भ्रष्टाचारियों का एक समूह है, नाजायज तरीके से कमाए रुपये को बचाने के लिए और अपने परिवार को भरा फूला बनाए रखने के लिए गठबंधन बना है, परिवारवाद का गठबंधन है। और ये गठबंधन देखने में तो लगता है नारंगी की तरह सुंदर, लेकिन अगर छिलका छिला जाएगा तो उसमें कई ऐसे फाहे हैं जो बिखर जाएंगे। चुनाव का घोषणा होने दिया जाए, फैसला जनता कर देगी। अच्छा, एनडीए ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो भ्रष्टाचारियों का अड्डा है, लेकिन एनडीए गठबंधन के भी जो नेता हैं वो इस तरह की बातें कह रहे हैं कि
खूब भ्रष्टाचार में आप लिप्त रहिए और भारतीय जनता पार्टी में जाकर के आप सदस्यता लीजिए, ज्वाइन हो जाइए, आप एकदम साफ सुथरा हो जाइएगा। ऐसी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक सांस्कृतिक परिवार की पार्टी है, सिद्धांत पर काम करने वाले लोग होते हैं, इन लोगों के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। नरेंद्र मोदी का न अपना कोई परिवार है न बाल बच्चे हैं जिसके लिए लूटें खसोटें, लेकिन लालू जी को देख लीजिए जहाँ रहे हैं, बिहार का खजाना हो, वे बोलते हुए मवेशियों का चारा खा गए, उससे पेट नहीं भरा, तो ट्रेन रेलवे का मंत्री बने, तो रुपया लेकर के जमीन लेकर के नौकरी देने का काम किया है, और अपने नहीं बेटी बेटा सारे लोगों को अभियुक्त बनाकर चले गए हैं, क्या होगा वो रुपया। चलिए ओम प्रकाश जी, एक आखिरी सवाल, ये कहा जा रहा है कि सिवान लोकसभा सीट से जो असमंजस की स्थिति पैदा हो रही थी कि सिवान के पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, बीच में चिराग पासवान पहुंचे थे मुलाकात की, और अब ये चर्चा जो है कि खूब हो रही है कि सिवान से जो सीट है वो लोक जनशक्ति पार्टी को जाएगा, अगर हिना साहब चुनाव लड़ती हैं तो फिर आपका क्या होगा। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण से कार्यकर्ता हैं, हम लोग के नेता हैं नरेंद्र मोदी और प्रदेश में माननीय सम्राट चौधरी जी। पार्टी जो निर्णय लेगी, पार्टी ने निर्णय लिया कि आपको कविता सिंह को मदद करना है, सिवान का बच्चा बच्चा जानता है कि हम लोगों ने तन मन धन से लग गए उनके पीछे, लेकिन अगर हिना साहब को ही गठबंधन तय करके भेज देगा तो हम काहे विरोध करेंगे भाई। उस दिन पहले आपका एक बयान आया था जिसमें आपने कहा था कि इस बार गठबंधन अगर किसी दूसरे को टिकट दे तो ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनाव। हमने कहा था कि बाहरी उम्मीदवार को अगर दिया गया, सिवान के लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले किसी को दिया गया तो हमको कोई एतराज नहीं होगा, अगर बाहरी आदमी थोपा गया तो हम विरोध करेंगे, हमने पहले ही कहा था, न कि हम ऐसा बात नहीं कहे थे। अच्छा, एनडीए गठबंधन से अगर हिना साहब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से अगर चुनाव लड़ती हैं तो ओम प्रकाश यादव समर्थन में रहेंगे? एकदम समर्थन में रहेंगे। चलिए, खास बातचीत कर रहे थे सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के इन्होंने क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइव सिटीज को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी मुफ्त में गैस कनेक्शन दे करके शौचालय बना करके पूरे देश का कायाकल्प कर दिए, अब परिचर्चा से न कोई सांसद बनता है न टिकट मिलती है, टिकट पार्टी देती है, संसदीय बोर्ड देता है, जो गठबंधन आप देख रहे हैं वो भ्रष्टाचारियों का एक समूह है, ये गठबंधन देखने में तो लगता है नारंगी की तरह सुंदर, लेकिन लालू जी को देख लीजिए जहाँ रहे हैं, बिहार का खजाना हो, वे बोलते हुए मवेशियों का चारा खा गए, उससे पेट नहीं भरा। कि सिवान से जो सीट है वो लोक जनशक्ति पार्टी को जाएगा, अगर हिना साहब चुनाव लड़ती हैं तो फिर आपका क्या होगा। सिवान का बच्चा बच्चा जानता है कि हम लोगों ने तन मन धन से लग गए उनके पीछे, अगर हिना साहब को ही गठबंधन तय करके भेज देगा तो हम काहे विरोध करेंगे।